अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा। आज आपके लिए देखें दही वाली ग्रीन चटनी बनाना बताऊंगी। दही वाली ग्रीन चटनी ज़्यादातर हम स्नैक्स के साथ खाते हैं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगी। देखिए, मैंने दो मोटे मिर्च लिया है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं इसलिए मैंने ये लिया। आप चाहे तो हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना लिया है मैंने, काला नमक, ज़ीरा और मैंने लिया है बारीक नमक। इन सारे चीज़ों को मैं मिला लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना मिलाऊंगी। ये देखिए, ज़ीरा, काला नमक और मैं इसमें नमक मिला लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा मीडियम ग्राइंड कर लूँगी मैं। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर। अब मैं इसमें दही डाल कर भी पीस लूँगी। बहुत ही अच्छी चटनी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिए। किसी भी स्नैक्स के साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए, दही वाली ग्रीन चटनी रेडी है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है। बस यूं पे ही बन जाएंगी, 5 मिनट में आपको चटनी रेडी हो जाएगी। किसी भी स्नैक्स के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है चटनी। आप स्नैक्स ला लीजिए या तल लीजिए, बना लीजिए, उसके साथ आप ये चटनी भी बना लीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मेरा बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।